हमारी किस्मत थोड़ा इस टाइम पे ऐसी चल रही है, माई को लग गई है थोड़ी, और यहाँ पे रेत जैसी थी तो इसमें से फिसली है और यहाँ जाके हम गिरे हैं। ब्लड दिखाना होता है, स्नेहा के पैर में चोट आई है। हे डियर टू फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू डायरी ऑफ 02 व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? होप कि सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी बढ़िया हैं। सो आज डेट है 9th of July और आप लोग कुछ टाइम से नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे चैनल में व्लॉग्स जो हैं वो इरेगुलर हो गए हैं। तो एक्चुअली बात ये है कि जब हम लोग लास्ट व्लॉग शूट कर रहे थे तो उस टाइम हमारे साथ एक छोटा सा रोड एक्सीडेंट हो गया था, तो इस वजह से हम लोग तब से कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पाए हैं। तो गाइज ये इंसिडेंट है 30 जून का। उस दिन हम लोग सुबह 4 बजे निकले थे पिथौरागढ़ से दीदी लोगों के गांव नाली को, और इतनी सुबह निकलने का हमारा रीजन ये था कि हमें उनके घर पे 6 बजे सुबह पहुंचना था, तो इस वजह से हम लोग इतनी जल्दी जल्दी निकले थे क्योंकि उनकी पूजा जानी थी महाकाली मंदिर गंगोली हाट। तो पूजा में शामिल होने के लिए हमको फटाफट निकलना था, तो हम लोग निकले और जैसे तैसे हम लोग 6 बजे टाइम पे पहुंच भी गए क्योंकि बहुत ज्यादा मौसम खराब था उस दिन और काफी फॉग था, बारिश थी और साथ में इतना अंधेरा था, रात लग रही थी ऑलमोस्ट। तो हम लोग जैसे तैसे पहुंच गए और हम लोगों ने कपड़े चेंज किए क्योंकि हम लोग पूरे भीग चुके थे बारिश से, और पूजा में भी शामिल हो गए। फिर तैयारी थी नाली से महाकाली मंदिर जाने की और सारी गाड़ियां रेडी थी और हम लोग जा रहे थे बाइक से क्योंकि हमको व्लॉग भी शूट करना था। तो मौसम भी काफी ठीक हो गया था, हल्का हल्का फॉग था, बारिश रुक गई थी। सो गाइस हम लोग निकल गए मंदिर को, काली का मंदिर में है पूजा, तो हम लोग निकल गए हैं और 2-3 गाड़ियां हैं जो कि अभी पीछे हैं, हम लोग जा रहे हैं बाइक से। वैसे बाइक से जाने का मौसम तो नहीं है क्योंकि बारिश वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन मेरे को वोमिट हो रहा है आज क्योंकि ठंडा लग गया था सुबह सुबह, तो अजीब सा सर घूम रहा है, मैंने कहा बाइक से ही जाएंगे। और जैसे ही हम लोग डूनी से थोड़ा सा आगे पहुंचे तो हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। तो गाइस अभी हम डूनी से थोड़ा ही दूर पहुंचे थे और यहाँ पे से बाइक रपटी है हमारी, ये देखिए पूरा कोहरा लग रखा था, कुछ पता नहीं चला कि यहाँ पे रेत जैसी थी तो इसमें से फिसली है और यहाँ जाके हम गिरे हैं और बाइक इधर गिरी और स्नेहा को भी चोट आ गई है। अरे कहाँ पे लगी? ब्लड दिखाना होता है। स्नेहा के पैर में चोट आई है, ये फट गया मेरे हाथों में, देखिए ये देखिए हाथ में काफ़ी चोट आ गई है, और ये देखिए बाइक का हेड वेड टूट गया है, ये टूट गया है थोड़ा बहुत, ये सब टूट गया, यहाँ पे भी चोट है और पैंट वेंट पूरी फट गई है। सो गाइज हम लोग जा रहे थे कालिका मंदिर, महाकाली मंदिर गंगोली हाट, और सुबह हम लोग आए थे घर से 4 बजे, तो 6 बजे हम लोग नाली पहुंच गए थे, अच्छी तरह से पहुंच गए थे क्योंकि मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, हमें घर से पता नहीं लगा कितना ख़राब है, अदरवाइज हम नहीं आते। घर से उतना ख़राब नहीं था, रास्ते में पूरा फॉग लग गया, रास्ते में कोहरे से बिल्कुल रोड नहीं दिखाई दे रही थी, और अभी हम दीदी लोग के घर से जैसे ही निकले महाकाली टेम्पल के लिए गाड़ी रपटी और हम लोग बिल्कुल ही गिर गए। मैंने सोचा कि मंदिर जाएंगे बट नहीं होगा जाना, क्या कर सकते हैं। भाई को चोट भी आ गई है काफ़ी और कपड़े भी थोड़ा बहुत फटवट गए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बहुत ड्रेसिंग करा लेते हैं, उसके बाद वापस ही जा रहे हैं। अब कोई बात नहीं, हम आए तो थे कि मंदिर जाएंगे दर्शन करेंगे बट नहीं होगा किस्मत में दर्शन का, तो कोई नहीं चलते हैं वापस। सो गाइज एक ट्रेजेडी होने से बच गई, समझ लीजिए ट्रेजिक सीन हो गया हमारे साथ, पूरा मतलब स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा हैं बॉडी में, मेरे तो खाली घुटने में है दोनों साइड, बट माही के जो है हाथों में घुटने में पूरा स्क्रैच पड़े हुए हैं, हेलमेट की वजह से जो है हमारा हेड बच गया है, और हम हेलमेट हमेशा पहनते हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, प्लीज़ आप कहीं भी निकलें तो हेलमेट ज़रूर पहने, इस बात को हल्के में ना लें, अदरवाइज़ हम भी चाहते तो लोकल का एरिया था, हेलमेट नहीं पहनते तो हमारे साथ ही बुरा होता। तो ये राज का सीन, माई को लग गई है थोड़ी, और गाड़ी में भी ना थोड़ा, गाड़ी को तो चलो ठीक है बस थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि पूजा थी दीदी लोगों की और हमारी किस्मत थोड़ा इस टाइम पे ऐसी चल रही है ऊपर नीचे, क्योंकि पहले मेरे हाथ में फ्रैक्चर और उसके बाद थोड़ा बहुत हील हुआ था और मेरा प्लास्टर कटा था, अभी देखिए वो तो अच्छा हुआ कि बड़ा हादसा नहीं हुआ कुछ, अदरवाइज कुछ भी हो सकता था। हम इतने गंदे सिचुएशन में, इतनी गंदे मौसम में वहाँ से आए हैं ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पूरे अंधेरे में,
तो लेकिन वहां से हम सही सलामत आ गए, वो ज्यादा बेटर है। यहाँ हम गिरे तो दिन का उजाला है और अपने लोग हैं, वहां अगर गिरते तो रात रात लग रही थी। अब वैसे तो 4 बजे रात ही होती है, बट वैसे बहुत ज्यादा रात लग रही थी क्योंकि कोहरे ने कहीं छोड़ा ही नहीं हमको। तो अभी थोड़ा ड्रेसिंग कराते हैं, अगर यहाँ कोई मिल जाता है ना केमिस्ट वगैरह तो फिर निकलते हैं घर को वापस। ये देखिए पूरा हाथ मतलब फट टाइप का गया है और इसमें इसमें तो छाले आए हैं, छाला तो ठीक हो जाएगा लेकिन ये जो फट गया है ना, ये देख मेरी शर्ट फट गई, पैंट फट गई। सो गाइस अभी जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, देखते हैं है या नहीं। तो अभी यहाँ पर करा रहे हैं ड्रेसिंग डूनी में, यहाँ पर हो गया है, वहां पर करना है और यहाँ पर भी है, हाथ में 3 जगह चोट है, फिर यहाँ पर घुटने में है। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा ड्रेसिंग वगैरह कराई और ड्रेसिंग कराने के बाद हम लोग सीधे चले गए दीदी लोगों के घर को वापस। और उसके बाद हम लोग कोई भी कुछ भी व्लॉग शूट नहीं कर पाए क्योंकि चोट में दर्द भी होने लगा था और थोड़ा मूड माहौल भी थोड़ा वैसा हो गया था क्योंकि हम लोग आए थे पूजा में शामिल होने और हो कुछ अलग सा गया था, तो इस वजह से हमने कुछ भी शूट नहीं किया। तो आज ऑलमोस्ट 8-9 दिन के बाद हम लोग कोई वीडियो शूट कर रहे हैं और काफी बेटर फील कर रहे हैं अब, और जो भी इंजरीज थी वो भी काफी हद तक हील हो चुकी हैं। तो फिलहाल है हम लोग सुरखाल में, जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड देख के अंदाजा लगा पा रहे होंगे। और बेचारी बाइक का भी हाल कुछ हमारे जैसा था, उसको भी काफी चोट आई और उसका तो हेड वगैरह भी टूट गया क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था, जोक्स अपार्ट। तो आप भी हमारी तरह हमेशा हेलमेट जरूर पहने, और बाकी बाइक की जो भी इंजरीज थी और टूट फूट थी उसमें वो भी हमने बना दी है, हालांकि उसमें खर्चा बहुत हो गया बट कोई बात नहीं, जान है तो जहान है। तो कपड़े वपड़े भी हमारे फट गए थे तो हाल कुछ बुरा था, और कपड़े तो छोड़िए हमारा मोबाइल भी डैमेज हो गया था, जितनी हमारी चोटें थी उससे ज्यादा हमारा खर्चा आ गया इस इंसिडेंट के बाद। और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है हमारे व्लॉग्स का क्योंकि हम लोग आए थे मंदिर में शामिल होने के लिए भी और व्लॉग के पर्पज से भी, क्योंकि हम लोग को व्लॉग शूट करना होता है, बट हमारे व्लॉगिंग में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस चीज का। हम इरेगुलर हो गए हैं, हमारा वॉच आवर और सब्सक्राइबर सब घट गया है, तो डिक्रीज हो गया है। तो कोई बात नहीं, बुरा वक्त है, ये भी टल जाएगा। और अब हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके सामने एक रेगुलर बेसिस पे व्लॉग्स लेकर आए और अच्छा अच्छा कॉन्टेंट आप लोगों को देखने को मिले। तो सबसे पहले आप लोग कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और यार आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए क्योंकि इस बीच हमारे जो सब्सक्राइबर है वो भी डिक्रीज हुए हैं। तो प्लीज आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, अगर आप देख रहे हैं तो शेयरिंग इज केयरिंग जैसा कि आप लोगों को पता है। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए लोग आ रहे हैं वो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना प्लीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thank you.